बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नूह में चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग का एक मामला सामने आया। गली में खेल रहे बच्चे को गोली लगी है। जयवंत गांव में जमकर लाठी डंडे चले हैं। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। बड़ी जानकारी आपको नूह से दे रहे हैं। नूह में चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग का एक मामला सामने आया। गली में खेल रहे बच्चों को गोली लगी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, इसका वीडियो भी सामने आया है, टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े, जिस दौरान आपको बता दें कि गली में खेल रहे बच्चों को भी गोली लगी है। जयवंत गांव में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। तो ये टेरिस पर लड़ाई करते हुए कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं और जयवंत गांव में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और उसके अलावा आपको बता दें, गली में खेल रहे बच्चों को भी गोली लगी है, इस तरीके की खबर सामने आई है। तो कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के जो समर्थक हैं आपस में भिड़े हैं। नूह में चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग का यह मामला सामने आया। गली में खेल रहे बच्चों को भी गोली लगी है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और इसका वीडियो सामने आया है। नूह से ये वीडियो सामने आया। इस वीडियो के जरिए आप देख पा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसका अंजाम आपको बता दें, गली में खेल रहे बच्चों को भी गोली लगी है। तो चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग का यह मामला सामने आया है। गली में खेल रहे बच्चों को भी गोली लगी है। जयवंत गांव में जमकर लाठी डंडे चले हैं। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, नूह में चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग का यह मामला सामने आया है। तो वीडियो में आप देखिए किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मारपीट की जा रही है। गली में खेल रहे बच्चों को भी गोली लगी है। नूह में चुनावी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया। जयवंत गांव में जमकर लाठी डंडे चले हैं। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक जो है आपस में भिड़े हैं। तो नूह में चुनावी रंजिश के चलते ये फायरिंग का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि जयवंत गांव में जमकर लाठी डंडे चले हैं। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े और लाठी डंडे जमकर बरसाए जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि गली में खेल रहे बच्चों को गोली लगी है। अनिल मोहनिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनिल, जयवंत गांव से ये वीडियो जारी हुआ है जिसमें कि कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े हैं, बच्चों को भी गोली लगी है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, सबसे पहले विस्तार से जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को इस घटनाक्रम के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। शनिवार को चुनाव होता है, पूरे प्रदेश में चुनाव होता है और मेवात की हम बात करते हैं, मेवात के पुनाना में भी साथ चुनाव संपन्न भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही रविवार का दिन होता है तो रविवार के दिन जो मोहम्मद इलियास हैं कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, इसके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं रहीशा खान, उन दोनों के समर्थक जयमत गांव के एक ही गांव के रहने वाले थे, चुनावी रंजिश हो जाती है। चुनावी रंजिश की वजह से उनमें कहासुनी हो जाती है और कहासुनी में दोनों के बीच में गोली तक चलने लगती है, छतों से गोली चलाई जाती है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उस वीडियो में स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही है। वहीं नीचे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं जिसमें एक बच्चे को गोली लगती है और उसको घायल अवस्था में उसको सीएसपी पुनाना ले जाया जाता है, लेकिन वहां से उसकी हालत को देखते हुए उस बच्चे को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। लेकिन बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई थी, परिवार वालों की तरफ से अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं दी गई है, किन किन लोगों के नाम जैसे दे जाते इस तरीके की कोई भी शिकायत अभी नहीं दी गई है। इतना जरूर है कि बच्चे की हालत है वो गंभीर है और उसको ट्रामा सेंटर दिल्ली में अभी उसका इलाज चल रहा है। वहीं हम बात करें जयमत गांव की, तो जयमत गांव में पुलिस इस समय भी वहां पर लगाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल हो गया है चुनाव के बाद उसकी वजह से वहां पर पुलिस भारी संख्या में लगा दी गई है। और अभी तक जो दोनों पक्षों की बात करें तो दोनों पक्ष के लोग हैं वो गांव से फरार हैं, क्योंकि जो गोली चला रहे थे वो लोग अभी उनकी आइडेंटिफाई की जा रही है कि कौन कौन लोग थे जो गोली चला रहे थे। उन लोगों की जब तक पहचान नहीं होती जब तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। फिलहाल अनिल, पुलिस ने इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की है अभी तक? अभी पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया, हमने संपर्क करना चाहा है पुलिस से लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई पुलिस से संपर्क होता है कोई या तो मामला दर्ज किया जाए या कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको उससे पुलिस के संपर्क होने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन अनिल, देखिए साफ तौर पर ये वीडियो सामने आया है, आप भी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है और अभी फिलहाल समर्थक सामने नहीं आए हैं जो कि ये लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल फिर पुलिस पर भी खड़ा होता है कि वीडियो आने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है तो?
बिल्कुल लाजमी है आपका सवाल, क्योंकि वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही है, छत के ऊपर कुछ लोग खड़े हैं और गोलियां दाग रहे हैं, जिसकी वजह से ही इस बच्चे को गोली लगी है। अब सवाल पुलिस पर उठता है कि पुलिस ने अभी तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं की है। अभी जब तक पुलिस के कोई इस बारे में बात नहीं हो जाती, हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि पुलिस ने इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की। एक और सवाल पूछना चाहूंगी, जो ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और ये टेरिस पर ये जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं, क्या ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर ये झगड़ा हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये घर में मौजूद है, ये जैमत गांव है, जैमत गांव का ये तस्वीर है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और छतों के ऊपर से जो लोग हैं वो गोलियां चला रहे हैं, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है। हालांकि जो ये कांग्रेस के समर्थक बताए जा रहे हैं, निर्दलीय समर्थक बताए जा रहे हैं, जो आपस में भिड़ते हुए नजर आए, लाठी डंडे से पिटाई करते हुए दूसरे के नजर आए हैं, अभी तक वो फरार हैं। और फिलहाल जिस बच्चे का जिक्र कर रहे हैं जिसको गोली लगी है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।